क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी इंट्रोडक्शन में इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्शन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड पीजेंट रिवोल्ट। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में, जो जमीन से जो टैक्स ली जाती थी कलेक्ट हो सकती थी उसके बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इसमें है इजादारी सिस्टम के बारे में, इजादारी सिस्टम जो था उसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने लागू किया था, जिसमें एक जमीन की एक नई राजस्व पद्धति को लागू की गई थी जिसे इजादारी प्रथा कहा जाता था। इस पद्धति को अपना इसका मेन एम जो था उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा जमीन से टैक्स वसूला जाए। इसमें यह किया जाता था कि इसमें 5 वर्षों के लिए जमीन ठेके पे जमीन किसी को दे दी जाती थी तथा सबसे जो अधिक बोली लगाता था उसे ज़मीन दे दी जाती थी। मगर बाद में कुछ समय में इससे ब्रिटिश कंपनी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ क्योंकि इस व्यवस्था से उसकी वसूली में अस्थिरता आ गई और 1777 में इसे फिर चेंज भी कर दिया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसका मतलब 1793 में स्थायी व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे तब तक भूमि पर उनका अधिकार रहता था। लगान नहीं देने की स्थिति में उन्हें अधिकार से हटा दिया जाता था। सरकार के साथ किसानों का कोई संबंध नहीं था। स्थायी बंदोबस्त को व्यवहारिक रूप देकर कॉर्नवालिस भारत में जमींदारों का एक शक्तिशाली वर्ग तैयार करना चाहता था जो अंग्रेजों का हिस्सा साधते या उनका साथ देते। नेक्स्ट जो टॉपिक है रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है उसे 1820 में मद्रास और मुंबई में से लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के मतलब के अंदर यह था कि लगभग 50% से ज़्यादा जो जमीन थी उसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता था, यानी कि 50% जो जमीन है उसका हक किसानों को दे दिया गया था। अब किसान इस कंपनी को जो जमीन का जो टैक्स के रूप में उत्तरदायी था। इस व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि एक भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट महलवारी सिस्टम को लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में इम्पोस्ट किया गया था, जिसमें महलवारी व्यवस्था का नाम दिया गया था। इसके तहत लगभग 30% भूमि आती थी। इस व्यवस्था में महल या गांव के जमींदारों या प्रधानों को बंदोबस्त किया गया था। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महलवारी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था। जितनी गांव में उपज होती उसके आधार पर टैक्स का निर्धारण किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का इफेक्ट क्या पड़ा। इसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किसानों पर पड़ा। किसानों को अपनी ज़मीन पर खेती करने पर कोई फ़ायदा नहीं होता था, उन्हें खेती के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। दूसरा चीज़ यह था कि कोई भी टैक्स फिक्स नहीं था, उपज के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। सूखे या बाढ़ की स्थिति में भी उन्हें टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता था। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।